अयोध्या में फैसले को लेके कई बार विचारधाराएं सामने आई हैं तथा कई तरह के केसेस भी हमने इस पर देख लिए हैं। लेकिन अयोध्या में हुए फैसले में जब मामला हिंदू पक्ष में गया और उसमें राम मंदिर के बनने का फैसला किया गया है, तो उस पे पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने वाले फैसले पर पुनर्विचार के लिए शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में 6 नई याचिकाएं दायर की गई। नई याचिकाएं मुफ्ती हसउल्ला मोहम्मद उमर महफूल रहमान हाजी महमूद मिशबहुद्दीन और मोहम्मद अयूब ने दायर की है। इन याचिकाओं को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का समर्थन है। मुफ्ती हसउल्ला ने अपनी याचिका में कहा कि मालिकाना हक के विवाद में घोर अन्याय हुआ है। इस मामले में पहली याचिका 2 दिसंबर को यत उलमा ए हिंद ने दायर की थी, जिसके तहत हम इस पे पुनर्विचार याचिका दोबारा दायर कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस बार ये फैसला किसके पक्ष में आता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।